watching Evox and do subscribe. Thank you. Evox and do subscribe. You really have fun. Hello everyone, this is me Halima Sayed. Keep watching Evox and don't forget to subscribe to their channel. हाँ, गुमशुदा बेटी मेरी वेब सीरीज आ रही है इंशाल्लाह बहुत जल्द, उसका तकरीबन 50% काम हो चुका है। फिर पीटीवी लाहौर के लिए किया टूटे पत्ते अपना शौकत चंगेज़ी साहब का, और उसके बाद इस्लामाबाद में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। मेरी मॉम का बड़ा शौक था कि वो आती इस इंडस्ट्री में, लेकिन वो somehow वो नहीं आ सकती। अच्छा, वो खुद आती है? वो खुद आती है। अच्छा, अच्छा, तो somehow वो नहीं आ सकती, तो उन्होंने अपना टैलेंट आप में ढूंढा? वो उनने मुझ में ढूंढा। अरे देन शी पॉलिश मी, और फिर मैं उसमें मुझे कॉन्फिडेंस दिया। इससे पहले क्या करती थी आप? इससे पहले मैं कुछ नहीं पढ़ती थी। मोबाइल पे क्या करती थी? काफी शिकायतें आई हैं आपकी। टिकटॉक्स बनाती थी, पिक्चर्स लेती थी। कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। तो शाहरीन मेरे साथ बैठी है, तो ये वार्डरोब स्टाइलिस्ट हैं। तो वार्डरोब स्टाइलिस्ट का काम होता है कि वो शूट को समझे, सीन को समझे, स्क्रिप्ट को समझे, और उस हिसाब से वार्डरोब प्रोवाइड करे या डिजाइन करे पूरे शूट के लिए, हर एक स्टाइलिंग के लिए। मुझे ऑलमोस्ट हो गए 12 साल इस फील्ड में। माशाल्लाह। पहले मैंने मेल का स्टार्ट किया था, देन फिर मैंने फीमेल में इंटरेस्ट ज़्यादा लिया। गुड मॉर्निंग। आप सोच रहे होंगे कि इतने सुबह सुबह कैसे उठ पड़िए? टाइम देखें ज़रा, इसके एक रीज़न है। रीज़न क्या है चलाइए आपको बताते हैं। कम इन सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सुबह सुबह किधर की तैयारियाँ? अरे क्या बताएं, आपको पता है कि आज शूट है। किस चीज़ का शूट है सर जी? टीवीसी का शूट है, और हवावे। इतनी सुबह सुबह उठ पड़े आज? ये देखें, ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है कि दिसंबर में इतनी सर्दी में आप सुबह सुबह उठे, वो भी 5 बजे। 5 बजे? हाँ, तो जाहिर है 5 बजे उठे हैं, तो अभी 6:30-7:30 हुए हैं, तो अभी रेडी हुए हैं, नहा धो के फिट फाट। मुझे लगता है कि मैं तो आज सोया भी इधर था ऑफिस में ही, इसलिए कि आप देख लें, क्योंकि सुबह सुबह जाना होता है तो घर वालों को डिस्टर्ब करने जरा अच्छा। अभी हो गए हैं 7:15, क्या मिस कमिटमेंट होगी आपकी एजेंसी वालों के साथ? हाँ, 7:15 बजे हम इंशाल्लाह 7:30 बजे यहाँ से निकलेंगे, और 8:30 बजे हमने पहुँचना है लोकेशन पर, और वहाँ पे इंशाल्लाह सारा दिन स्पेंड करेंगे, शूट करेंगे, और इंशाल्लाह आपको साथ साथ लेके चलेंगे, और आपको शूट के जितने भी इवेंट्स, जितने भी लोकेशंस जहाँ जहाँ हम करेंगे, जिनके साथ करेंगे, उनसे भी मुलाकात करवाएंगे आपकी, और आप हमारे साथ साथ रहिएगा, और इंशाल्लाह बातचीत भी आपके साथ चलती रहेगी बड़ी अच्छी अच्छी इंशाल्लाह। चलिए फिर। ओके गाइस, बहुत ज़्यादा सर्दी है, अभी हम निकल रहे हैं शूट के लिए, तो अभी हम जफर साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। जफर साहब पता नहीं किधर है, वो आगे ये देखिए जो वो आ रहे हैं। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, हाय, सुबह सुबह सर्दी है, धुंध है, और हम इस वक्त गाड़ी में बैठने लगे, धुंध बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, सर्दी तो गजब की आज। बैठो गाड़ी। किस तरफ जा रहे हैं हम अभी? हम अभी यहाँ से निकलेंगे तो जाएंगे जनाब YMCA हॉल, जो लोकेशन है उन्होंने सेंड की है, ये है YMCA हॉल माल रोड पे। अच्छा, माल रोड जब जाएंगे तो वहाँ पे हम जाएंगे। तो ये अपना अली साहब जी सर आए, ये है मेरा ड्राइवर सर, आप ठीक हैं? बहुत नाइस बच्चे हैं, ये बच्चे हैं सर जी। कैसा लग रहा हूँ मैं? तो सर हीरो है। थैंक यू सो मच सर। आज हम जमा हुए हैं हवावे की कमर्शियल के लिए, तो यहाँ पर हमें एक कैरेक्टर कपल मिला है, बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को उनसे मिलाऊं ज़रा, तो चलते हैं जिनकी तरफ। नाज़रीन, अब हम आपस में ही तारुफ कराएंगे, क्योंकि एंकर तो हमारे दरमियान कोई है नहीं, तो अपनी तारीफ करते हुए बंदा ऐसे ही अपने मुँह में मीठू लगता है। ऐसा करते हैं कि मैं इरम बाजवा की जो है ना वो तारीफ करता हूँ, वो मेरी तारीफ करें। ठीक है ना जी? ठीक, सुन लीजिएगा। कुछ लोगों को वैसे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है तारीफ सुनने से किसी की, लेकिन नहीं, आप अच्छे हैं, आपके नहीं होगा, आप हजम कर सकते हैं इंशाल्लाह जरूर। तो ये इरम बाजवा हैं जी, माशाल्लाह। इरम बाजवा बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। आप क्यों बोल रहे हैं? आप कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं भाई, आप चुप रहे।
इरम बाजवा बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और काफ़ी अच्छे से 5-6 साल से काम कर रही हैं। बाय प्रोफेशन इरम बाजवा प्रोफेसर हैं बहरिया कॉलेज इस्लामाबाद में और इंग्लिश की प्रोफेसर है, सबसे मुश्किल जबान जो हमारे पाकिस्तान में उसकी प्रोफेसर है। मुझे तो वैसे ही डर लग रहा है, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं, अगर इंग्लिश शुरू कर दूँ तो मैं तो पढ़ गया। इसके अलावा बहुत अच्छी बीवी हैं, बहुत अच्छी माँ हैं, बहुत अच्छी सिस्टर हैं, बाय नेचर बहुत अच्छी हैं, हंसमुख हैं और इससे ज़्यादा तारीफ ख्याल है कि मेरे पास नहीं है कि मैं करूँ, ऐसा ना हो कि मेरी तारीफ में कोई दूसरी कर देंगे। नहीं नहीं, ये जफर अब्बास खिची साहब हैं और बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, माशाल्लाह डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और जितना भी काम किया बहुत अच्छा काम किया, बल्कि कर रहे हैं, अपना चैनल भी है और अपनी एक एकेडमी भी चलाते हैं और बहुत से लोगों को सिखाते भी हैं और हमारे मुल्क के लेजेंड लोगों में से एक हैं माशाल्लाह। इरम, आप किस तरह आपने सोचा कि आप शोबिज में आ जाए? देखिए हमारे यहाँ ये होता है कि जो नलायक बच्चा होता है ना उसको कहते हैं या इसको मदरसे में दाखिल करा दो, मौलवी बना दो, तो या जिसको कुछ नहीं आता वो कहते हैं कि यार तू तो बड़ा सोना एक्टर बन गया। तो आपको कैसे ख्याल आ गया इतने अरसे के बाद, मकसद कि आप तो इतनी अच्छी जॉब करती हैं माशाल्लाह, प्रोफेसर हैं इंग्लिश की, कैसे ख्याल आ गया? खूबसूरती की वजह, खूबसूरत तो खैर आप हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरती तो देखें जब यंग थे तब यकीनन ज़्यादा होगी, उस वक्त आना चाहिए था इस फील्ड में, लेकिन बस हुआ यूँ कि ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर शोबिज़ में आना अच्छा नहीं समझा जाता। हम लोग जाट हैं, जाट जिमीदार पंजाबी में जिसे कहते हैं, तो बस कभी इस चीज़ के बारे में फैमिली में तो कभी बात ही नहीं हुई। फैमिली में मैं पहली खातून हूँ जिस साइड पर आई हूँ शोबिज़ में, और बस जब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, पहले बच्चे छोटे थे तब भी इस तरफ ध्यान नहीं था, शौक था पहले भी, शौक बिल्कुल था, शुरू से शौक था, स्कूल कॉलेज के ज़माने में एक्टिंग किया करती थी और स्टेज पे अपने कॉलेज में जिस तरह फंक्शन वगैरह होते हैं उसमें परफॉर्म वगैरह करना स्टेज पे, एक्टिविटीज़ में एक्टिव थी, बिल्कुल एक्टिविटीज़ में एक्टिव थी। और मेरे ख्याल में आपके अंदर एक स्पार्क होता है, उसको सिर्फ ढूंढने वाले की निगाह चाहिए होती है, जौहरी की निगाह चाहिए होती है, तो वरना बहुत से फैमिली की सपोर्ट चाहिए, फैमिली की सपोर्ट एग्जैक्टली बहुत जरूरी है। जी जी, तो मुझे मेरे हस्बैंड की सपोर्ट मिली माशाल्लाह से, वो बहुत सपोर्टिव हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो मेरे बैक पे खड़े हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बहुत उन्होंने आपको शोबिज़ में आने का जो मशवरा दिया या इजाज़त दी, ये उनका बड़ा पन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और ये अच्छी सोच होती है कि नहीं, एक बंदे के अंदर जो टैलेंट है ना वो टैलेंट सामने आना चाहिए जी, बिल्कुल, उसको दबाना नहीं चाहिए वरना एक हसरत रह जाती इंसान की, यार मैं अगर ये करता मुझे तो इन्होंने नहीं करना। उन्होंने अपने तानों से बचने के लिए आपको नहीं, नहीं तानों से नहीं, उन्हें अंदाजा था कि मेरी बीवी में कोई जसूमा है एक्टिंग का, तो जब मुझे मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने कहा क्यों ना अवेल किया जाए। फिर मैंने उनसे बाकायदा परमिशन ली और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी, अगरचे मुश्किल से ही दी लेकिन दे दी। पहला काम कौन सा किया था? पहला मैंने लाहौर से स्टार्ट किया था, रहती मैं इस्लामाबाद में हूँ और ऑल अक्रॉस दवे इस्लामाबाद से लाहौर आती थी, यहाँ पर मैंने सीटीवी पे इसी तरह 12-12 घंटे में आती थी, रात को आई फॉग की वजह से फंसी रही है 12 घंटे में पहुंची, हाँ जी फॉग की वजह से वाकई फंसी रही हूँ। और सीटीवी पे मैंने पहला, तेरे पहले कौन सा था? अपने अपने, हाँ अपने शोक चला था, बहुत अच्छा शोक था। और उसके बाद सैयद जुल्फकार हैदर साहब के साथ काम किया, जिसमें आबद अली साहब की बहू बनी थी, अफान वहीद की मदर बनी थी। वो कौन सा सीरियल था? कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, A+ पे चला था। जी 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 बिल्कुल। और फिर अशर असगर का अजनबी लगे जिंदगी किया LTN के लिए, फिर PTV लाहौर के लिए किया टूटे पत्ते अपना शौकत चंगेजी साहब का, और उसके बाद इस्लामाबाद में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, वहाँ पर हम वाले काम कर रहे हैं, तो अब वहाँ हम वालों के साथ काफ़ी काम किया है आजकल। और उसके बाद जॉब है, उसकी भी रिक्वायरमेंट काफ़ी टफ होती है, उसको भी टाइम देना। हाँ मैं देख रहा था कि मेकअप भी करवा रही थी और साथ ऑनलाइन लेक्चर भी दे रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल दे रही थी, क्योंकि मैं, इंग्लिश मुश्किल तो नहीं होती आपको? नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं होती है, आपने देख ही लिया इंग्लिश का। वो मेरे एक दोस्त है, वो बाहर गया, कहते यार मैं तो बड़ा ही हराम हूँ बाहर जाते, क्यों यार उतने बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं।
उसने कहा यार वो अंग्रेजों के बच्चे हैं, उनकी लैंग्वेज है, उन्होंने तो बोलने ही बोलना। आजकल आप देखें कि जो हमारी नई नस्ल है, यंग जनरेशन है, इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं, बहुत अच्छी। और फिर आप देखिए कि नेट की मतलब नेट का जमाना है, सोशल मीडिया है, हमसे ज्यादा वो वेल अवेयर है ऐसे हर चीज के बारे में। तो हमें अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़ाना पड़ता है बच्चों को शिक्षा देने से पहले, क्योंकि अगर हम स्टैग्नेंट हो गए तो समझेंगे डेड है इंसान। तो सारी पंजाबी तुझे बड़ी अच्छी बोल रहे हैं। जी हाँ, मैं पंजाबी हाँ, हजारे पंजाबी तो बोलनी है। अच्छा, इंग्लिश के विच पंजाबी बोलना कैसा लगता है? इंग्लिश तो लेक्चर दे रहे हो ना, पंजाबी बोल रहे हो? नहीं, ऐसी क्लास में पंजाबी नहीं बोलते होते, जब तुम बोलोगे यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, लेकिन घर दे विच पंजाबी है? नहीं, घर च भी पंजाबी नहीं बोली दी, घर च उर्दू बोली दी है, लेकिन पंजाबी आती है, बोल सकते हैं। पंजाबी बोलनी चाहिए ना, देखो पंजाबी साडी मादरी भाषा है, सानू फखर है। ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ 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 ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਉਦੋਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਲੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਾਂਟਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਲੀਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਮਖੌਲੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਖੌਲੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਖੌਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਨੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਦੁਸਤਾਂ ਜੀ। हाँ, लेकिन ठीक है, उर्दू हमारी कौमी जबान है, पंजाबी साड़ी मादरी जबान है, सानू दोनों नाल प्यार है, और इंग्लिश जड़ी है वो साड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उहदे नाल वी उहदे नाल साडा एक राबता इंटरनेशनली तौर ते दुनिया दे नाल लगा है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ते बाकी सराकी भी अच्छी जबान है, मीठी है, वो भी आनी चाहिए। सराकी आंदी है, बेसिकली आई बिलोंग टू सरगोधा। ओ, मैं मर जावां था मेरे ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਤਾ ਦੇ। ਓ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਐਸੇ ਮੋੜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਸਗੋਤਾ ਦੀ, ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਅਸਲ ਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਗੋਤੇ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਾਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਾਕੀ ਕਹਿਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਾਕੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਾਕੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਰਗੋਧਾ ਇਹ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਗੋਧੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ 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 ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੇਅਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ ਕਿ ਆਪ ਸੇ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਏ ਗੈਸਟ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਸੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਪਕਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਆਪਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿਆ। थैंक यू, दिल की बात कहने का। थैंक यू, ऐड बन रहा है। और मेरे साथ जो आप क्यूट सी एक लड़की देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी स्टार है, आप इसे बहुत सिनेमाओं में देख चुके हैं, अभी अभी इसके दो तीन सीरियल जो है ना बड़े मेन कैरेक्टर्स में ऑन एयर गए, तो इसका नाम है जी फजर। फजर क्या नाम है आप? ठीक है जी, थोड़ा सा ऊंचा बोल। आप कैसे? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, एज यूजुअल बहुत ही अच्छा। तो कब से काम शुरू किया आपने? मुझे एक साल हो गया शोबिज में। जी जी। तो क्या किया एक साल में आपने, कितने सीरियल किए? जस्ट टू। टू सीरियल? yeah. कौन कौन सा? एक तो यार भाई का किया है मैंने, देसी गुड़िया, इट्स नॉट अ सीरियल, ये एक सिटकॉम था। हाँ कह सकते हैं, इट्स रियलिटी शो बेस्ड ऑन पिंड की गुड़िया जाती हैं सेलिब्रिटी। हाँ मैंने देखा था, बिल्कुल। या सो या बस ये किया है, और इसके बाद एक और सीरियल किया है व्हिच इज गोइंग टू बी सूनर ऑन, देखेंगे आप। वो किसका था? काशी के साथ था, काशिफ निसार साहब का सीरियल था, वो बहुत अच्छे हमारे डायरेक्टर हैं, और वही मेरे ख्याल है लाहौर में बैठे हुए हैं, बाकी तो सारे भाग गए। ये उनके एक समझने के खूबी है कि वो कहते हैं मैंने लाहौर में काम करा, उनको लाहौर का एनवायरनमेंट अच्छा था। तो फजर, किस तरह आपने सोचा कि आप शोबिज में आए, खूबसूरती की वजह से या? सो इनडायरेक्टली आपने कह रही मैं प्यारी हूँ, खूबसूरत हूँ। हाँ नहीं, माशाल्लाह आप खूबसूरत हैं, प्यारी हैं। नहीं सच, ये तो फिर बॉन्ड कह सकते हैं कि लगता था कि आई हैव अ बॉर्न टैलेंट इनसाइड मी, ये इसलिए भी मैंने थोड़ा इसको परसू किया। और सेकेंडली मेरी मॉम का बड़ा शौक था कि वो आती इस इंडस्ट्री में, लेकिन वो समहाउ वो नहीं आ सकती। अच्छा, वो खुद आती है? वो खुद आती है। अच्छा, अच्छा, तो समहाउ वो नहीं आ सकती, तो उन्होंने अपना टैलेंट आप भी ढूंढा? वो उनने मुझमें ढूंढा। और देन शी पॉलिश मी, और फिर मैं मुझे कॉन्फिडेंस दिया।
ये बड़ी बात होती है जब आपकी फैमिली आपको बैकअप देती है और आपको इनक्रेज करती है और आपको कहती है कि नहीं आप करो, यू कैन डू, आप कर सकते हो, तो ये बड़ी बात होती है और फिर इंसान जो है ना वो कई मंजिलें ऐसे आसानी से तय कर लेता है। अच्छा आगे ये आज आप ऐड कर रही हैं, पहला ऐड है आपका? नहीं, कमर्शियल्स तो मैंने पहले किया। अच्छा, तो ड्रामे और कमर्शियल में क्या आपको फर्क महसूस हुआ है? वेल, ड्रामास आर मोर हेक्टिक देन अ कमर्शियल। ये एक वन डे शूट होता है, क्वाइट रिलैक्सिंग, और जो ड्रामा होता है वो खैर आपको पता है इट्स वो एक लेंथी प्रोसेस है, उसमें फिर कल उठते दिन लगते हैं, फिर ब्रेक मिलती है, फिर दिन लगते हैं, फिर ब्रेकअप भी हो जाता है, बीच में बड़ा कुछ हो जाता है। अच्छा, तो ये है कि अब आगे फ्यूचर में इसको कंटिन्यू रखना है? अच्छा, यहाँ पे तक इंशाल्लाह। अरे नहीं, पाकिस्तान में तो अचीवमेंट अवार्ड उसे मिलता है जो हाल में पहुंच जाता है, टैलेंट पे तो मिलता ही नहीं। बल्कि एक दफा तो साउंड वाले को अचीवमेंट अवार्ड दे दिया उन्होंने, क्योंकि और कोई बंदा ही नहीं था, साउंड वाला सुबह से आया इसी को दे दिया। पाकिस्तान में मकसद है कि अवार्ड्स की क्या टैलेंट में थोड़ी दिया जाता है, पाकिस्तान में टैलेंट में काम नहीं दिया जाता, अवार्ड किसने देते हैं? ये एक अलमिया है, आप लोगों को पता नहीं इस बात की समझ आई है नहीं आई। हम चाहते हैं जैसे जैसे माहौल बड़े होते हैं निज़ाम बदलता जाए हमारी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये देखा है कि जो टैलेंटेड आदमी है उसको टैलेंट की बेस पे काम नहीं मिलता, उसको तल्लुकात पे सिफारिश पे काम मिलता और टैलेंट वाला बेचारा भूखा मर रहा है। जो बहुत से लोग ऐसे मिसालें आपके पास है जो बहुत अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, उनकी पी आर इतनी नहीं है, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, लेकिन जिनकी पी आर है, जो मकसद है कि वो उनको काम मिल रहा है। तो खैर ये तो एक अलग टॉपिक है, तो बहुत शुक्रिया आपसे, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। हमारा चैनल ई बॉक्स आपने सब्सक्राइब भी करना है, इसको देखना भी है। आप कह दें कीप वॉचिंग ई बॉक्स, कीप वॉचिंग ई बॉक्स एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू। क्या हाल है आपका? नाम क्या? हलीमा। हलीमा कहाँ से हैं आप? इस्लामाबाद। आपने पहले भी काम किया है या नहीं? पहला टीवीसी में। पहला टीवीसी है, इससे पहले क्या करती थी आप? इससे पहले मैं कुछ नहीं पढ़ती थी। मोबाइल पे क्या करती थी? काफ़ी शिकायतें आई हैं आपकी। टिकटॉक्स बनाती थी, पिक्चर्स लेती थी। अच्छा, टिकटॉक्स बनाती थी, तो टिकटॉक्स की वजह से आपको यहाँ सिलेक्शन हुई है? इंस्टाग्राम से लाइक पिक्चर्स में। अच्छा, पिक्चर देखी है इंस्टाग्राम से, तो सिट्रस टैलेंट वालों ने आपको? अच्छा, इंस्टा पे कितने आपके फॉलोअर्स हैं? मेरे 4000 होने वाले थे, हो गए हैं पता नहीं, मैं देख के बता। अच्छा, देख के बता, देख के बता। तो एक कमरे से और एक छोटे से मोबाइल से निकल कर, एक कमरा और एक छोटे से मोबाइल से निकल कर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आना, और पहला ही इतना बहुत बड़े ब्रांड का हवावे का शूट आज है जिस पे आप हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्साइटमेंट हो रही है? फील एक्साइटमेंट है, लेकिन है। तो फ्यूचर में इसको प्रॉपर ज्वाइन करने का इरादा है या? अभी कुछ नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली करूंगी। सीए पहले करना है, लेकिन साथ साथ। अच्छा, सीए भी कर रही हैं आप? हाँ। तो इस्लामाबाद से यहाँ पे आप आई हैं? हाँ जी। तो इस्लामाबाद में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई है वहाँ पे, किसी ने आपको टच किया है, किसी ने आपको, किसी प्रोडक्शन हाउस है? अच्छा था तो नहीं, ये तो डेफिनेटली अच्छा है, इसलिए कि ये तो पूरे पाकिस्तान में टॉप पे है ना, सिट्रस टैलेंट तो पाकिस्तान में टॉप की एजेंसी है जो टैलेंट प्रोवाइड करती है। तो और मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद में तो कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस या कोई ऐसे नहीं है कि नहीं। चलो, बेस्ट ऑफ लक जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू। इस वक्त हम सेट पर मौजूद हैं और ये वार्डरोब भी इसको कह सकते हैं आप, इसको आप मेकअप रूम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक हम किसी जगह पे आए हैं वहाँ पे हम कर रहे हैं, तो इस कमरे को हमने ये बड़ा एक गड़बड़ सा किया हुआ। तो मेरे पास इस वक्त जो शख्सियत बैठी है, बहुत बड़ी शख्सियत, उसका बड़ा काम है। सुबह से हमने इसको रुकते नहीं देखा, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है।
तो शाहरीन मेरे साथ बैठी हैं, तो ये वार्डरोब स्टाइलिस्ट हैं, तो इनका काम हम समझते हैं, जानते हैं कि इसको क्या काम होता है। तो शाहरीन, आप मैं सुबह से देख रहा हूँ भाग ही रही हैं, कभी इधर कभी किसी के पीछे कभी किसी, क्या करती है आप? यहाँ बेसिकली शूट में जब आप शूट प्लान करते हो तो हर इंसान की जो अपने पर्सनल कपड़े जो वो पहनते हैं, उनका जो डिज़ाइन एस्थेटिक सेंस होता है, कपड़े पहनने का सेंस होता है, वो शूट की रिक्वायरमेंट से मोस्टली डिफरेंट होता है। जैसे अगर हमने सिनेरियो दिखाना है अंदरून लाहौर का, तो हम अपने टैलेंट को वही कपड़े पहनाएंगे, वही ट्रेडिशनल शलवार कमीज दुपट्टे के साथ चुन्नी के साथ। यूजली आजकल जो लोग हैं वो इस तरह कपड़े नहीं पहनते, तो वो स्टाइलिस्ट का काम होता है कि वो शूट को समझे, सीन को समझे, स्क्रिप्ट को समझे और उस हिसाब से वार्डरोब प्रोवाइड करे या डिज़ाइन करे पूरे शूट के लिए, हर एक टैलेंट के लिए, चाहे उस एड में दो लोग हों, दस लोग हों, बीस लोग हों। ऐसे ना हो कि गरीब आदमी है और उसने जनाब 4500 की जूती पहनी हुई है। बिल्कुल ऐसे हमारा ये काम है कि हम सारे जो कपड़े टैलेंट पहनता है, एक्टर जितने होते हैं, हर स्टाइलिस्ट का काम होता है। ये आपने कहीं से सीखा है या इसकी एजुकेशन ली है या कोई कोर्सेज की है इसके? लेकिन एक अच्छी बात है मेरे हर जाए की जब भी आता है वापस आ ही जाता है, तो वो आ गई। जी शर्मिल, वहीं से कंटिन्यू करते हैं बात। तो इसके आपने ट्रेनिंग के लिए बताया था? ट्रेनिंग की बात नहीं होती इसमें, बेसिकली लोग पढ़ते भी हैं बाहर के मुल्क में, इट्स अ प्रॉपर डिग्री दैट इज़ ऑफर्ड स्टाइलिंग की, वार्डरोब स्टाइलिंग की, जिसमें आपको डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन की बेसिक सिखाते हैं कि एस्थेटिकली कौन सा कलर किसके साथ जाते हैं, स्टफ कौन सी बॉडी टाइप के साथ ऊपर किस तरह कट्स जाते हैं। दिस इज़ प्रॉपर, दिस इज़ अ डिग्री इन अदर कंट्रीज, बट पाकिस्तान में ये चीज़ उस तरह से पढ़ाई नहीं जाती। यहाँ पर हम लोग इस तरह से सीखते हैं, या तो एक्सपीरियंस करके या तो इंस्पिरेशंस लेकर, जिस तरह हम जो बाहर के मुल्कों में चीज़ें हो रही हैं हम उनकी इंस्पिरेशन लेते हैं, हम उनकी मूवीज़ देखते हैं, उनके ड्रामा देखते हैं, और रेफरेंसेस के थ्रू और अपनी खुद की एस्थेटिक सेंस डेवलप करते हैं। टाइम लगता है हर चीज़ को, टाइम लगता है, एस्थेटिक सेंस डेवलप होने में टाइम लगता है ऑब्वियसली। आप घर को कैसे मैनेज करते हैं इससे? बच्चे हैं आपके? नहीं बड़ा बच्चा भी नहीं है, मतलब बड़ा बच्चा है। अच्छा, तो वो कितने मकसद साल का है वो? आपसे बड़ा? हाँ जी, चलो ये तो अच्छा, इतना बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा है। तो वो क्या करते हैं? वो भी फिल्म मेकर ही है। अरे वाह, तो वेरी गुड, फिर तो बड़े मजे की बात है। वो गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने, तो एक ही फील्ड के दो मियां बीवी हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो अच्छा चल रहा है घर का सिस्टम भी और बाहर का भी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, जाहिर दोनों एक ही फील्ड के, तो हमारे लिए इतना कोई मुश्किल नहीं था। वी अंडरस्टूड के दोनों की क्या केमिस्ट्री मिल गई है, सारी सोच एक हो गई है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इतने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम दिया। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। फॉर्मी सर्दी इंजॉय हो रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, सर्दी बहुत है वैसे। आपने तो जैकेट भी एक पहनी, मैंने तीन पहनी हुई है। अभी तो आगे हमने जाना है सवाद, तो वहाँ पे जाके तो और ज़्यादा पहनेंगे हम भी। अच्छा, सवाद किस प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं? सवाद हवावे के प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए आज जमा हुए हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह, वही प्रोजेक्ट आगे भी। कब से कैरियर स्टार्ट किया हुआ आपने ये? मुझे ऑलमोस्ट हो गए 12 साल इस फील्ड में। माशाल्लाह, पहले मैंने मेल का स्टार्ट किया था, देन फिर मैंने फीमेल में इंटरेस्ट ज़्यादा लिया। अच्छा अच्छा, तो वो भी स्टार्ट कर दिया था, पहले सीखने की तरफ था, फिर मैंने चैनल्स में काफ़ी ज़्यादा किया। सही काम, फिर मैंने सिटर सैलेंट ज्वाइन किया। वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम ब्यूटिशियन, मैं हेयर कट भी करता हूँ माशाल्लाह, और मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। वेरी गुड सर, वेरी गुड माशाल्लाह। मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है टीवी सीज में बेसिकली। इसका मतलब काफ़ी स्किल्स है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी ज़्यादातर क्योंकि बेसिकली काम कराची में होता है, तो इसलिए लाहौर में इतना ज़्यादा काम मिलता नहीं है। जी जी, क्योंकि लाहौर में बहुत ज़्यादा है मेकअप आर्टिस्ट सोए भी होते हैं, तो इसलिए बारी जो है होती है वो लेट ही आती है फिर। तो क्या नाम है आपकी कंपनी का? एक्स टैलेंट। एक्स टैलेंट, बेसिकली एक्स टैलेंट की तरफ से मैं आया हूँ, मैं खुद मुझे उन्होंने अप्रोच किया था, तो इसलिए। अच्छा अच्छा, तो ये सीट्रस के साथ आप कितनी ईयर कर चुके हैं? सीट्रस के साथ मैं ऑलमोस्ट 2.5 ईयर मैंने किया, 2.5 साल। अच्छा अच्छा, सही।
ढाई साल तो ये ढाई साल अब भी जो कंटिन्यू में है या पहले? नहीं मैंने मूव कर लिया था। अच्छा अच्छा तो किसी टीवी सीरीज में किया हो इससे पहले कभी आपने? मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले टीवी सीरीज में किया है। अच्छा एलईडी का? अच्छा अच्छा। उसके अलावा काफ़ी नस्ल बुनियाद किया हुआ है। वेरी गुड। लास्ट ईयर मैंने सफ़ायर की ईद कलेक्शन की हुई है हमारा खान जी जी। और काफ़ी ज़्यादा क्योंकि इस टाइम तो मुझे माइंड में भी नहीं आता। चलिए सर बहुत शुक्रिया फवाद भाई, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सब खैरियत है सर? हाँ सभी खैरियत। अच्छा ठंड को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? ठंड को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? ठंड को ऐसा वैसा एंजॉय कर रहा हूँ, अभी बैठा हुआ था यहाँ पे तो एक बच्चा है, उसने कॉफी पिला दी। अच्छा वो तो गर्म ठंडे पानी से धोई है, वो ठंडा गर्म मिक्स हो गया, टांग इस तरह गर्म है। तो अभी आपके दोनों तरफ हीटर पर लगे हुए तो आपको फिर भी सर्दी लग रही है? नहीं नहीं सर्दी तो नहीं लग रही। अच्छा इधर माशाल्लाह अच्छे मॉडल्स आए हुए हैं तो आप किस सिलसिले में आए हुए इधर? ये हवावे का एड है, बीबीसी शूट हो रहा है तो उसके मेरा फैमिली हेड का कैरेक्टर है, मेरे चार बेटियां हैं और घर का सीक्वेंस है तो उसका एड आज हो रहा है, उसमें अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा सर आपके कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज एक प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है, वो वेब का है, बहुत अच्छी सीरीज है, वो आ रही है। उसके बाद एक सीरियल और है, सरगोधा में शूट हो रहा है तो बस चल रहा है सिलसिला। अच्छा तो नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? नेक्स्ट घर जाने का। इसके अलावा कोई और शूट नहीं है? इसके अलावा कोई और शूट नहीं है? इसके अलावा फ्यूचर में या आज? फ्यूचर में शूट है, सारी उम्र यही काम करना। अच्छा। है ना, चलूंगी रेडी थोड़ी लगानी। तो सर ये बताएं कि आपका ई बुक्स चैनल है वो कैसा जा रहा है, जो वेब चैनल है आप देख रहे हैं बहुत अच्छा। कितने व्यूज हो गए इसके ऊपर? बहुत ज्यादा व्यूज है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत लाइक करते हैं लोग मुझे भी और मेरे काम को भी, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहरबानी है, मैं शुक्रगुजार हूं अपने तमाम व्यूज। हमें पता चला था कि आपके पास आप अभी जो एक वेब सीरीज कर रहे हैं गुमशुदा बेटी, उसका प्रोजेक्ट कितना कम्प्लीट हो चुका है? हाँ गुमशुदा बेटी मेरी वेब सीरीज आ रही है इंशाल्लाह बहुत जल्द, उसका तकरीबन 50% काम हो चुका है और चूँकि दूसरी मसरूफियात जो हैं वो चल रही हैं, इस तरह के शूट चल रहे हैं वो दरमियान में आ जाते हैं तो फिर प्लान करते हैं, फिर उसका शूट कर लेते हैं तो फिर उसका शूट, उसकी डबिंग, उसका म्यूजिक और ये सारे उसकी एडिटिंग के साथ सब चल रही है तो वो तकरीबन 50% से ज़्यादा हो चुका है 10 एपिसोड की वो सीरीज है और इंशाल्लाह दिसंबर में उसे कंप्लीट कर लेंगे और जनवरी में उसको इंशाल्लाह 21 में आपको यानी कि आपको करेंगे। जो YouTube फैमिली है कब तक इंतजार करें, जनवरी में कब तक हो जाएगा ये? इंशाल्लाह जनवरी के स्टार्ट में हम उसको ऑनियर करेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छी एक मकसद के लिए बनाई गई वेब सीरीज है, ऐसी खवातीन जो बाजार में जाती हैं और चीज़ों की चकाचौंध रोशनी में अपने साथ आए हुए बच्चों को भूल जाती हैं और वो बच्चे फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और माएँ और बाप जो हैं वो बेचारे बहुत ज़िंदगी से बेजार हो जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर है औलाद का दुख जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत है। इसका राइटर कौन है सर गुमशुदा बेटी के? इसको मैंने लिखा है और डायरेक्ट भी मैं ही कर रहा हूँ। वेल डन, बहुत अच्छी बात है। प्रोड्यूस भी मैं ही कर रहा हूँ। वेरी गुड। एडिट भी मैं ही कर रहा हूँ। वेरी गुड। ये कि मुकम्मल प्रोजेक्ट आपने हैंडल किया हो आपने। किसी को हिस्सा नहीं दिया भाई, पैसे ही नहीं होंगे तो बाकी लोगों को हिस्सा देंगे। अच्छा अच्छा, चलिए सर आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। खुद ही करते आपसे बात करके बहुत खुशी है सर, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।